हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो रहेगी फाइनल ईयर स्टूडेंट के बारे में, जिनके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो गए हैं ग्रेजुएशन के, और अब वो सोच रहे हैं कि कौन से कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो उनके लिए ये वीडियो रहेगी। वीडियो पूरी जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, उनके माइंड में भी बहुत कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि एसएससी की तैयारी करें, बैंक की करें, और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, किसकी करें। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको गाइड करूँगा। देखो, बैंक एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है, फैमिली का प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर है आपके ऊपर कि आपको जल्दी जल्दी 6 महीने के अंदर जॉब लेनी है, तो आप बैंक एग्ज़ाम चूज़ कर सकते हो। और अभी बैंक एग्ज़ाम का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो आप 6 महीने के अंदर सेलेक्ट हो जाओगे। और बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्रेशर भी है, तो ये सब चीज़ें तो सभी जगह हैं आजकल, बट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, सैलरी काफ़ी अच्छी है। इसीलिए अगर आप बैंक एग्ज़ाम को चूज़ करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखें, ठीक है। तो देखो, अभी आप फाइनल ईयर का आपका एग्ज़ाम हुए हैं, अब रिजल्ट आएगा 2 से 3 महीने के अंदर, तो आप अभी वेट कर रहे हो, वेट मत करो, अभी से आप स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। और अभी 5 से 10 दिन के अंदर RRB का नोटिफिकेशन आने वाला है, RRB PU, RRB क्लर्क के एग्ज़ाम होंगे फिर अगस्त के अंदर। और जैसे नोटिफिकेशन आता है, हर बार नोटिफिकेशन के अंदर जो एग्ज़ाम की लास्ट डेट होती है, उससे पहले वो बोलते हैं कि जैसे मान लो 15 जुलाई एग्ज़ाम की लास्ट डेट है, तो 15 जुलाई से पहले फाइनल ईयर स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है, और हो सकता है कि IBPS इस बार फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए कुछ डेडलाइन बढ़ा दे, वो बोल दे कि 30 सितंबर बोल दे, कुछ भी डेट बोल दे, हो भी सकता है ये, अभी तक तो नहीं हुआ बट हो सकता है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो आपको अभी से रेडी रहना है, और मान लो आप RRB के अंदर नहीं बैठ पाओगे, RRB के अंदर आप एलिजिबल नहीं हो, तो उसके 10-15 दिन बाद IBPS क्लर्क आएगा, तो आप उसमें एलिजिबल होंगे, और उसके 1-1.5 महीने बाद IBPS PU आएगा, SBI क्लर्क आएगा, SBI PU आएगा, तो उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आप अभी से प्रिपेयर करोगे ना, तब जाके आप अच्छे से सिलेक्शन ले पाओगे, PU बन पाओगे, क्लर्क बन पाओगे। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना है, और इसकी कैसे प्रिपेयर करना है आपको बैंक एग्ज़ाम का, तो उसकी मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड की इसी चैनल के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पर भी लगा दूंगा, तो वो जाके देखना। उसमें मैंने बताया कि RRB के एग्ज़ाम को कैसे फोकस करना है, तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए, कोई RRB के लिए फिक्स नहीं है, तो उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और अभी ऐसा टाइम है ना कि जल्दी से जल्दी जो जॉब मिल जाए ना वो बेटर है, क्योंकि इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना, तो आप ज़्यादा सोच नहीं सकते हो, और कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है, तो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेने के ऊपर सोचो। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। और वीडियो मैंने आपको लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करें, तो टेस्ट सीरीज़ भी आप जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर लो, और टेस्ट सीरीज़ से स्टार्ट करो पढ़ना। टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिल जाएगी, पहले मॉक दोगे आप तो आपको पता लगेगा कि एग्ज़ाम के अंदर यही आते हैं, ठीक है। तो उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप से प्रिपरेशन करनी है। और उससे बड़ी चीज़ यह है कि बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप 1 महीने के अंदर भी ख़त्म कर सकते हो, इतना छोटा सिलेबस है, और नॉर्मल चीज़ें हैं मैथ्स के अंदर भी, नॉर्मल चीज़ें रीजनिंग के अंदर, ये सब आपके लॉजिक के ऊपर है। एक बार कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आराम से आप सिलेबस कवर कर सकते हो, फिर आपको बस प्रैक्टिस 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 करनी है, ठीक है। और अगर आप अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हो और टेस्ट सीरीज़ के लिए जा रहे हो, तो टेस्ट सीरीज़ आप गाइडली की परचेज कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ गाइडली की टेस्ट सीरीज़ के अंदर इतना मटेरियल है ना, वो आपसे ख़त्म ही नहीं होगा। अगर आपने ख़त्म कर लिया ना, तो आपका SBI PU भी क्रैक होगा, ठीक है। तो अगर आप गाइडली की टेस्ट सीरीज़ परचेज करना चाहते हो, तो कोड यूज़ करना HP12, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और अभी गाइडली का ऑफर भी चल रहा था, उस पर HP20 कोड यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके परचेज कर लो, ठीक है। और वापस मैं बोल रहा हूँ, जो अभी सेलेक्ट नहीं हुए थे लास्ट ईयर, और अभी सारे बैंक एग्ज़ाम के फोकस कर रहे हैं, उनको अभी से मैं बोल रहा हूँ करंट अफेयर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। और करंट अफेयर मैंने मार्च से कराना स्टार्ट कर दिया है, तो प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाके अभी अगर अभी आप पढ़ोगे ना, तभी करंट अफेयर में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और करंट अफेयर अभी बहुत टफ आ रहा है, तो आपको 6 महीने का तो पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल अच्छे से, ठीक है। और RRB के एग्ज़ाम में बहुत ही टफ करंट अफेयर आता है लास्ट 2-3 साल से, IBPS क्लर्क, IBPS PU से भी टफ आता है, इसीलिए अभी से आप फोकस करो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो प्लेलिस्ट देखो आप करंट अफेयर की, और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल SP सक्सेस क्लासेस में मिल जाएगी। और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, उनको अगर बुक भी चाहिए, तो देखो बुक, बैंक का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे, और फिर भी अगर बुक चाहिए तो क्वांट की बुक आप आशीष अरोड़ा सर की मंगा सकते हो, क्वांटा बुक है, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। और अगर पजल्स की बात करें रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग की आप बुक अंकुश सर की मंगा सकते हो, वो भी मिल जाएगी आपको ऑनलाइन,
ठीक है, बट बेस्ट है आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा तो सब ऑनलाइन होगा, तो आप क्यों ना ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करो ताकि आपका माइंड सेट वैसे ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और जो भी फाइनल स्टूडेंट है उनको ये वीडियो शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।